Witness the power of the punch. Only on ErosNow. Article in a newspaper way back in 2000-2001 on the unsolved crime cases in the state of Maharashtra. For some strange reason, this one incident stuck to my mind, and it kept coming back to me. After Wednesday, it came back rather strongly at least, and resulted in a screenplay. See, it's not that the book went into writing yesterday night and came out today. You should understand that it's been a process, and this book has been in works for the last 8 months. And it was supposed to happen this way. Three Idiots was a screenplay. The screenplay was printed. This is a novel form of an original screenplay, and it was in the works in the last 8-9 months. So that's how it came. These are the con men, and this is the guy who is after them. You know, so this is it. That's the brief of the film, and they must have thought of the cover or the back cover for that reason. Manoj ji, aapne aapki Hollywood film hai jo Silver Lining Playbook, usse wo Oscar ki race mein hai, to kaise kuch cheez kaha karna chahenge usse? मतलब इसमें तो मैं कभी भी नहीं बोलूँगा मुझे बड़ा अफसोस है. बहुत खुशी की बात है मेरे लिए, बहुत गर्व की बात है कि मेरी पहली अमेरिकन फिल्म है और वो 8 ऑस्कर्स में 8 उसके नॉमिनेशन हुए हैं. इट्स फैंटास्टिक. और 31 ईयर्स के बाद 4 एक्टिंग नॉमिनेशन मिले हैं, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, सपोर्टिंग एक्टर, सपोर्टिंग एक्ट्रेस. अब वसीम खान को देखते हैं तो उसकी बच्चे को देखते हैं, उसकी बीवी को देखते हैं, वो किस तरह का हस्बैंड है, किस तरह का बाप है. आप जब पीके शर्मा को देखते हैं तो उनकी बच्चों की फौज देखते हैं, उनकी मजबूरी देखते हैं, उनकी पत्नी को देखते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति देखते हैं. जब आप किशोर कदम का जो कैरेक्टर है वो अपनी पत्नी के कपड़े धो रहा है, पत्नी उस पर डोमिनेट करती है, वो देख रहे हैं. राजेश शर्मा जो इनके साथ में है वो एक जॉइंट फैमिली में रहता है, वो किस तरह से लोग जमीन पे लाइन में सोते हैं, उसके क्या संबंध है अपने परिवार में, वो देखते हैं. एक अक्षय कुमार के परिवार को अगर उसकी अपनी मजबूरी, उसके अपने प्रेशर नहीं देखेंगे तो फिर उसको कंप्लीट कैरेक्टर कैसे बनाएंगे. तो मेरे ख्याल से ये जैसे इन्होंने कहा कि बड़ा सब्जेक्टिव है कि आप इसको इंजॉय आपने किया या नहीं किया, लेकिन ये ज़रूरी था कि हम अजय सिंह के भी परिवार को देखें, उसके सराउंडिंग्स को देखें, वो किस प्रेशर में जी रहा है, उसके पीछे की क्या कहानी, ये बहुत ज़रूरी था. Feel the undying romance only on ErosNow.